नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे और मस्त और पढ़ाई कर रहे होंगे अपनी शानदार तरीके से। तो मुगल साम्राज्य का हमारा टॉपिक है, मुगल साम्राज्य में औरंगजेब का पार्ट सेकंड है आज, और पार्ट फर्स्ट आप सभी ने पढ़ लिया होगा उम्मीद है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें क्लास को। आज पार्ट सेकेंड के विषय में चर्चा करेंगे, और चर्चा में टॉपिक है, केंद्र में रहेगा औरंगजेब। औरंगजेब के विषय में बात करेंगे, मराठा साम्राज्य के विषय में बात करेंगे, जाटों से युद्ध के विषय में बात करेंगे, औरंगजेब की कुछ धार्मिक नीतियों के विषय में बात करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अंत तक आप मेरे साथ क्लास में बने रहेंगे और क्लास को अपने दोस्तों और मित्रों के साथ सबसे पहले शेयर कर देंगे। चैनल पर यदि नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप पुराने हैं तो शेयर करना ना भी ना भूलें चैनल को, ठीक है। तो देखिए, औरंगजेब कल पढ़ा दिया था मैंने, आज दोबारा से फिर सेकेंड पार्ट में लेकर के आए। तो शासनकाल शुरू होता है 1658 से 1600, माफ़ कीजिए, 1707 तक। तकरीबन 49 साल तक औरंगजेब भारत पर शासन करता है। कितने वर्षों तक? 49 वर्षों तक औरंगजेब भारत पर शासन में रहता है। इसके अलावा अकबर भी लगभग इतने ही सालों तक भारत पर शासन में रहता है, ठीक है। इन पॉइंटों को आप याद रखिएगा। अब कुछ जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए, देखो कहानी की शक्ल में कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको बताने की, आप नोट करें, आपको जो जितना पसंद है मैं कहानी की शक्ल में आपको बताना चाह रहा हूँ, और पॉइंटों को जोड़ के बताने की कोशिश करता हूँ मैं। डायरेक्ट भी वन लाइन फैक्ट भी बता सकता हूँ मैं, वन लाइन फैक्ट के तरीके से भी बताता हूँ, और उसमें थोड़ी सी स्टोरी भी मैं आपको शामिल कर देता हूँ। तो देखिए, आज का जो टॉपिक है जो शुरू करते हैं हम, वो हरिकृष्ण। हरिकृष्ण एक सिख गुरु थे, 8वें नंबर के। कौन से नंबर के थे? 8वें नंबर के, लिख लेना, हरिकृष्ण 8वें स्थान के सिख गुरु थे, ठीक है जी। उनके उत्तराधिकारी, हरिकृष्ण के बाद जो उत्तराधिकारी बने सिख धर्म में, वो बने 9वें नंबर के आएंगे। आपको पता ही, 8वें के बाद कौन से स्थान के आएंगे? 9वें स्थान के। तो 9वें नंबर के स्थान के क्रम के जो गुरु थे उनका नाम था तेग बहादुर। 9वें स्थान के जो गुरु थे उनका नाम क्या था? गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर का प्रश्न बहुत आता है परीक्षा में। सिख धर्म में 10 गुरु रहे। सबसे पहले गुरु गुरु नानक देव थे, उन्होंने सिख धर्म की स्थापना करी, नींव रखी, स्थापित किया सिख धर्म को। और 10वें और अंतिम जो गुरु थे सिख धर्म के, उनका नाम था गुरु गोविंद सिंह। तो 10 गुरुओं को पढ़ा जाता है, उन 10 गुरुओं के विषय में, उनके कार्यों के विषय में, उनसे संबंधित आने वाले जितने भी प्रश्न रहते हैं उनकी अलग से वीडियो लेकर के आएंगे हम आपके लिए, आप चिंता ना करें। लेकिन उनसे संबंधित मुगलों की लड़ाई जारी रही हमेशा, मुगलों से संघर्ष जारी रहा किसी ना किसी गुरु का, किसी मुगल शासक ने मदद भी करी। जैसे अकबर की बात करें तो अकबर ने 400-500 बीघा जमीन दी थी, पूरा अमृतसर जहाँ बसा हुआ है, वो ऐसा कहा गया मुगलों में कि अकबर के द्वारा दी गई थी। उस समय के गुरु थे 4थे नंबर के रामदास को, ठीक है। लेकिन बहुत सारे गुरुओं के साथ मुगल शासकों का संघर्ष भी रहा है, और उनमें प्रमुख रहा है संघर्ष औरंगजेब का, ठीक है। तो इसी क्रम में चर्चा करते हैं। गुरु तेग बहादुर से प्रश्न कई बार आता है, किस लिए आता है? पूछा जाता है कि 9वें स्थान के सिख गुरु गुरु तेग बहादुर की हत्या कौन से मुगल शासक ने करा दी थी? कौन से मुगल शासक ने करवा दी थी? तो कौन से मुगल शासक ने? औरंगजेब ने करवा दी थी। ये प्रश्न आपको याद रखना है, ये पॉइंट ही नोट करना है, बाकी की थोड़ी सी कहानी आप सुनिए, ठीक है। तो 9वें नंबर के गुरु कौन थे? तेग बहादुर। इनके संबंध औरंगजेब से कभी अच्छे नहीं रहे, संबंध अच्छे नहीं रहे, दोनों में कटु संबंध थे। क्यों थे? देखिए, गुरु तेग बहादुर ने पंजाब राज्य में, कौन से राज्य में? पंजाब राज्य में औरंगजेब की धार्मिक नीतियों का विरोध किया था। जो भी धार्मिक कट्टरता फैला रखी थी औरंगजेब ने, है ना, कि जो रूल होगा, जो कानून होगा, जो हमारे धर्म के हिसाब से होगा, मुगलों के हिसाब से होगा, वही चलेगा, वही लागू रहेगा, ऐसी व्यवस्थाएं स्थापित कर दी थी औरंगजेब ने। तो इन व्यवस्थाओं का, इन रूलों का, इन नियमों का, इन सिद्धांतों का किसने विरोध किया? गुरु तेग बहादुर जी ने। हालांकि गुरु तेग बहादुर जी के बारे में लिखा गया है कि पहले मुगल सेना के साथ लड़े भी हैं आसाम जाकर के, पूर्वी भारत में जाकर के, आसाम जाकर के। जब असम से विद्रोह हुआ था मुगल में, पहले पार्ट में पढ़ाया जो मैंने, तो गुरु तेग बहादुर जी लड़े भी मुगल सेना की तरफ से, लेकिन मिला क्या अंत में? उन्हें मार दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई। तो वहां से लड़कर के आने के बाद वो वापस लौटे पंजाब, तो पंजाब में धार्मिक नीति जो चल रही थी औरंगजेब की, उनका विरोध किया, किसानों को इकट्ठा किया, और कश्मीर में अत्याचार होता था ब्राह्मणों पर, हिंदू मंदिरों पर, उसका विरोध किया गुरु तेग बहादुर जी ने। जे औरंगजेब को पसंद नहीं आया कि भाई हमारे शासन में रह के और हमारा ही विरोध, हमारी नीतियों का विरोध, ऐसा नहीं होगा। तो गुरु तेग बहादुर को दिल्ली बुलवाया, पंजाब से दिल्ली आए, और दिल्ली उन पर दबाव डाला इस्लाम धर्म को स्वीकार करने के लिए कि आप इस्लाम धर्म स्वीकार करिए। औरंगजेब को लगा कि इनको इस्लाम धर्म स्वीकार कराना आवश्यक है, तभी ये बंद करेंगे हमारे धर्म के खिलाफ बोलना, तभी ये बंद करेंगे लोगों को उकसाना या किसानों को संगठित करना।
तो इस्लाम धर्म अंततः गुरु जी ने स्वीकार नहीं किया, जो कि गुरु थे गुरु तेग बहादुर जी, इस वजह से औरंगजेब ने उनकी हत्या करवा दी। ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लेना। तो धार्मिक नीति का विरोध किया, विरोध किया तो औरंगजेब ने दिल्ली में बुलवाया उनको और इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए कहा कि इस्लाम धर्म स्वीकार करिए। किससे कहा? गुरु तेग बहादुर जी ने। उन्होंने स्वीकार नहीं किया तो 1675 वर्ष लिख लेना, वो इंपॉर्टेंट वर्ष है जी। यहाँ पर 1675 में गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी। किसने हत्या करवा दी? औरंगजेब ने। ये प्रश्न पूछा गया कई बार। ठीक है, गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवा दी? औरंगजेब के द्वारा 1675 में करवा दी। ठीक है, समझ गए होंगे आप। अगले पॉइंट में बात करते हैं। इनके बाद फिर उत्तराधिकारी कौन बनता है? 10वें गुरु आते हैं, गुरु गोविंद सिंह। थोड़ा सा उनके विषय में अभी सुन लो। गुरु गोविंद सिंह संभालते हैं, 1675 से 1708 तक रहते हैं, ये शासनकाल है गुरु गोविंद सिंह। और गुरु गोविंद सिंह थे कौन से? सिख धर्म के 10वें एवं अंतिम गुरु थे। नंबर 10वां था और अंतिम भी गुरु थे, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। औरंगजेब का लगातार युद्ध इनसे चलता रहा, इनसे भी लगातार युद्ध चलता रहा। और एक बार युद्ध हुआ था तो गुरु गोविंद सिंह तो अपनी जान बचा करके भाग निकले थे, लेकिन चार बच्चों की हत्या कर दी थी गुरु गोविंद सिंह के। चार बच्चों की हत्या किसने कर दी? औरंगजेब ने हत्या कर दी थी। एक बार पुत्रों की हत्या कर दी गई थी। बाद में 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। कब हो जाती है? 1707 में मृत्यु हो गई। तो औरंगजेब का पुत्र बहादुर शाह जफर गद्दी पर बैठता है, इस उपाधि के साथ बैठता है। वो मुअज्जम, वैसे नाम था इसका मुअज्जम, तो इस उपाधि के साथ गद्दी पर बैठता है। ठीक है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद औरंगजेब का पुत्र गद्दी पर बैठता है मुगलों में, जिसका नाम था बहादुर शाह जफर। ये उपाधि थी, नाम था उसका कायदा से मुअज्जम। जी कल की वीडियो में मैंने नाम बताया है, क्या नाम था? मुअज्जम नामक पुत्र गद्दी पर बैठता है मृत्यु के बाद। ठीक है, ये नोट कर लेना कौन गद्दी पर बैठता है, चूंकि औरंगजेब तक ही लोग ज्यादातर याद रखते हैं, तो अगला भी याद रखो। अब देखिए आगे, गुरु गोविंद सिंह वो बहादुर शाह जफर की क्या हो गई? मैत्री हो गई साहब। इन दोनों में मैत्री संबंध हो गए दोनों में। इधर जो औरंगजेब का पुत्र था जो गद्दी पर बैठा मुअज्जम, उनके बीच में और किनके बीच में? गुरु गोविंद सिंह जी के मध्य में। ठीक है, तो एक दक्षिण अभियान के लिए गए गुरु गोविंद सिंह, दक्षिण अभियान के लिए गए थे। किसके साथ गए थे? बहादुर शाह जफर के साथ गए थे एक दक्षिण अभियान में, चूंकि दोस्ती हो गई, मित्रता हो गई कुछ शर्तों को लेकर के। तो दक्षिण भारत में गए थे, तो एक अफगान के द्वारा गुरु गोविंद सिंह की हत्या कर दी गई 1708 में। कब हत्या कर दी गई भाई साहब? 1708 में एक अफगान के द्वारा हत्या कर दी गई। ये टोटल 10 गुरु थे, तो 10वें गुरु की हत्या कर दी गई थी। तो यहाँ पर सिख धर्म के 10ों गुरुओं की परंपरा का समापन होता है। वैसे सिख धर्म की क्लासों को मैं अलग से भी बता दूंगा आपको, तो वहाँ ज़्यादा आप उनके धर्म के विशेष बारे में बताऊंगा। यहाँ मैंने थोड़ा सा, क्योंकि औरंगजेब में पढ़ा रहा हूँ, औरंगजेब से प्रश्न कौन से पूछे गए वो वाले पॉइंट बताए सिर्फ मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो ये पॉइंट नोट कर लेना। तो गुरु गोविंद सिंह की हत्या दक्षिण भारत में कर दी गई थी एक अफगान व्यक्ति के द्वारा 1708 में, 10वें और अंतिम गुरु थे। और गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने कर दी? औरंगजेब ने करी थी, जो कि 9वें नंबर के गुरु थे। इसे ही नोट कर लेना और रट लेना आप बाकी की, है ना। बाकी की थोड़ा समझाने के लिए मैं आपको बताया क्यों हत्या करी, कारण क्या था, क्या नहीं कारण था। आगे बात करते हैं, औरंगजेब के खिलाफ किन का विद्रोह रहता है? जाटों का विद्रोह रहता है। वो पूरी ताकत से जाटों ने विद्रोह किया औरंगजेब की नीतियों को लेकर के। अच्छा, जाटों ने जो विद्रोह किया उसमें एक ही मुख्य कारण निकल करके आया है, ज्यादातर पुस्तकों में बताया गया, आर्थिक कारण था जाटों का विद्रोह का। आर्थिक शोषण करता था, आर्थिक रूप से किसानों को परेशान करता था, किसानों से टैक्स वसूलता था। ठीक है, तो आर्थिक मुख्य कारण था। इस वजह से जाटों ने इकट्ठा होकर के गोकुला नामक एक जमींदार के नेतृत्व में, गोकुला मतलब मथुरा में जो लड़ाई हुई थी, मथुरा में विद्रोह हुआ था, मथुरा के जाटों ने मिलकर के औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया था आर्थिक कारणों की वजह से। तो जाटों ने विद्रोह किया 1669 में, मथुरा के जाटों ने, जमींदार थे एक जाने माने, गोकुला के नेतृत्व में युद्ध लड़ा। ठीक है साहब, सबसे पहले 1669 में जाटों ने विद्रोह किया, युद्ध लड़ा। फिर 1686 में राजाराम के नेतृत्व में, जाने माने नेता थे, नेतृत्वकर्ता थे राजा राम के नेतृत्व में, जाटों ने युद्ध लड़ा 1686 में। और इतना भयंकर युद्ध लड़ा कि सिकंदरा में अकबर के मकबरे को तहस नहस कर दिया। और इसमें तो ये भी लिखा है कि जो हड्डियां थी, समाधि थी, उसे भी तहस नहस कर दिया था अकबर के मकबरे को। किसने? जाटों ने। कौन सी वर्ष में? 1686 में। किसके नेतृत्व में? राजा राम के नेतृत्व में। आगे 1688 में राजा राम मारा गया, युद्ध में ही मारा गया राजा राम। ठीक है, राजा राम एक जाट नेता था जाना माना।
तो राजा राम का भतीजा फिर आता है, और भतीजे का नाम था चूड़ामन। चूड़ामन भी बोलते हैं बहुत सारी जगह, चूड़ामन या चूड़ामन कुछ भी लिखो आप। राजा राम का भतीजा नेता बनता है चूड़ामन, ठीक है। और चूड़ामन अंतिम समय तक औरंगजेब से युद्ध करता रहता है, ठीक है, औरंगजेब की मृत्यु तक लड़ता रहता है, और बाद में भरतपुर राज्य की स्थापना भी करता है अंतिम समय में, ठीक है। कहने का मतलब है कि हार नहीं मानी जाटों ने भाई साहब, पूरी ताकत से पूरी शक्ति से युद्ध करते रहे लगातार औरंगजेब से और मुगलों से, और उसमें अंतिम जो व्यक्ति था वो चूड़ामन था। राजा राम ने भी युद्ध किया, और उससे पहले गोकुला ने स्टार्टिंग करी थी इसकी, मथुरा के सभी जाटों को इकट्ठा करके, और बाद में भरतपुर की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? भरतपुर किसने बसाया? जो राजस्थान का भरतपुर है जो लगा हुआ है आगरा से बिल्कुल, तो इसकी स्थापना का श्रेय जाता है चूड़ामन को, जो कि राजा राम का भतीजा था, ठीक है। एक और विद्रोह होता है सतनामी विद्रोह। सतनामी विद्रोह 1672 में हुआ था औरंगजेब के खिलाफ, लिख लेना एक ही लाइन में लिखना बस, ज्यादा बहुत बड़ी रामायण है इसमें ज्यादा पढ़ना नहीं है। सतनामी विद्रोह आ जाए पेपर में कभी तो किसके खिलाफ हुआ था? औरंगजेब के खिलाफ हुआ था, ठीक है। सतनामी एक समुदाय था, एक ग्रुप था, जो कि किसानों के काम करते थे आमतौर पर पंजाब में। कबीर के उपदेशों को मानने वाले ये लोग थे, जो सतनामी के नाम से जाने जाते थे। संत परंपरा में विश्वास रखते थे, आस्था रखते थे, किसानों का काम करते थे। किसानी के समय अपने मक्के की खेती की, एक बार सतनामी परंपरा के लोग या सतनामी इस परंपरा से आने वाले लोग अपनी खेत की क्या कर रहे थे? रखवाली कर रहे थे, इसमें पूरी स्टोरी कहानी है। तो वहां मुगल सैनिक ने आकर के किसी ने उनको मार दिया, चोट पहुंचाई, तो इस बात से क्रोधित होकर के सारे लोग इकट्ठा होकर के सतनामियों ने विद्रोह कर दिया औरंगजेब के खिलाफ। तो एक लाइन में आप पढ़िएगा बस, वर्ष में 1672 में किसने विद्रोह किया? सतनामियों ने विद्रोह किया औरंगजेब के खिलाफ। अब आगे बात करते हैं मराठों का, है ना, मेन और मुख्य जो क्वेश्चन आते हैं औरंगजेब के और मराठों के प्रश्न जोड़ करके पूछे जाते हैं। कल मैंने शिवाजी के बारे में बता ही दिया था, पुरंदर की संधि के बारे में बता दिया, इंपॉर्टेंट संधि। पुरंदर की संधि महाराष्ट्र के पुणे में शिवाजी के और राजा जयसिंह के मध्य हुई थी, जिसमें 23 किले दे दिए गए थे मुगलों को, जिनसे 4 लाख रुपए की हून आय किनको जाती थी? औरंगजेब को जाती थी मुगलों को, ठीक है। और अपने पुत्र को और कुछ सैनिकों के साथ मुगलों की सेवा में भेजा था पुरंदर संधि के बाद, ये पहली क्लास में मैंने पढ़ाया आपको, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, देखो शिवाजी के पुत्र उत्तराधिकारी के तौर पर कौन आते हैं? संभाजी। ये 1681 की बात बता रहा हूँ इस लाइन में, शिवाजी के उत्तराधिकारी कौन बनते हैं? संभाजी। इनके नाम पर महाराष्ट्र सरकार ने औरंगाबाद का नाम रख दिया है, औरंगाबाद का नाम क्या हो गया? वो संभाजी नगर हो गया, ठीक है, जो पहले औरंगजेब के नाम पर था, इन्हीं के नाम पर हुआ है उस शहर का नाम। शिवाजी के पुत्र थे ये, शिवाजी के पुत्र संभाजी ने औरंगजेब के पुत्र अकबर को संरक्षण दे दिया था अपने यहाँ। अकबर विद्रोह करके दक्षिण भारत में आ गया था, किससे विद्रोह करके? औरंगजेब से विद्रोह करके। अकबर नाम का पुत्र था औरंगजेब का, दक्षिण भारत आ गया, और किससे मदद मांगी? संभाजी से। संभाजी ने मदद कर दी तो जी औरंगजेब को बहुत बुरा लगा, तो औरंगजेब पीछा करता हुआ दक्षिण भारत तक आया। तो सबसे पहले फिर औरंगजेब ने प्लानिंग करी कि भाई इन दोनों को अलग करें, संभाजी को अकबर से या अकबर को संभाजी से, अकबर को औरंगजेब का पुत्र जो मदद ले रहा था यहाँ पे दक्षिण भारत में आकर के। तो अगला पॉइंट है, औरंगजेब ने अकबर व संभाजी के मध्य फूट डाली पहले, और फिर 6 वर्षों तक, देखो 81 की बात है, 81 में शुरू होता है ये, 6 वर्षों तक संभाजी मुगलों से लड़ते रहे भाई साहब, ये भी पूरी ताकत के साथ, पूरी वीरता के साथ, मराठे साम्राज्य की सुरक्षा के लिए, महाराष्ट्र की सुरक्षा के लिए, दक्षिण भारत की सुरक्षा के लिए लड़ते रहे 6 सालों तक लगातार संभाजी मुगलों से, और मुगलों में मतलब औरंगजेब से लड़ते रहे, ठीक है। तो 6 वर्षों तक लड़ते रहे, ये पॉइंट नोट कर लेना। फिर अचानक मुगल सेना ने प्लानिंग करके, षड्यंत्र करके अचानक आक्रमण कर दिया था संभाजी के ऊपर। इस अचानक आक्रमण की वजह से संभाजी और संभाजी के मंत्री थे, कलश नाम के मंत्री थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया और संभाजी की हत्या कर दी गई बाद में, अचानक आक्रमण की वजह से। तो 21 मार्च 1689 को संभाजी की हत्या कर दी गई, ये पॉइंट नोट कर लेना। ये मैंने पॉइंट आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो एग्जाम में पूछा जाना है, वही पॉइंट मैंने आपको बताया, सभी कहानियों को छोड़ करके, ठीक है। तो 1689 में संभाजी की हत्या कर दी। अब 6 सालों तक लगातार संभाजी ने हार नहीं मानी, पूरी ताकत से मुगलों का अथवा औरंगजेब का सामना करते रहे दक्षिण भारत में। 1681 में शुरू होता है, वो अपने पुत्र का पीछा करता हुआ आता है, और इसके पुत्र को मदद कौन दे देते हैं यहाँ? शिवाजी के पुत्र, जिनका नाम था संभाजी, और संभाजी नगर हो गया इस समय औरंगाबाद, ये भी नोट कर लेना अलग से। तो इसके बाद भाई बचता क्या है, देखो, जब 1689 में संभाजी की हत्या कर देता है जाने माने ताकतवर शासक थे, तो संपूर्ण महाराष्ट्र पर किसका कब्जा हो जाता है? औरंगजेब का कब्जा हो जाता है पूरे महाराष्ट्र पर, मराठा मतलब महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र की सुरक्षा और रक्षा किसने करी? शिवाजी ने, अथवा शिवाजी के आने वाले उत्तराधिकारियों ने,
जिसमें संभाजी प्रमुख थे, राजाराम और प्रमुख थे ताराबाई, लगातार संघर्ष करते रहे औरंगजेब से, हार नहीं मानी, चाहे जाटों की बात हो चाहे मराठों की बात हो, पूरी ताकत से मुगलों से संघर्ष किया। इतिहास में यही हमें देखने को मिलता है, हार नहीं मानी। इस वजह से आपको भी हार नहीं माननी अपने जीवन में, कंपटीशन के जीवन में, पढ़ाई के जीवन में। समय लगता है बहुत, यदि आप एक अच्छी जगह पहुंचना चाहते हैं, प्रतिष्ठित स्थान पर पहुंचना चाहते हैं, तो भाई साहब समय लगता है, रात और रात कुछ नहीं होता है, एक दिन में कुछ नहीं होता है, लेकिन आप लगे रहेंगे, आप अनवरत रूप से संघर्ष करते रहेंगे, तो कुछ ना कुछ अवश्य आपके जीवन में बहुत अच्छा हो जाएगा। शिक्षा एक वो माध्यम है जो समाज में आपको एक अच्छे स्थान तक पहुंचा देती है, प्रतिष्ठा दिलाती है वो अलग बात है, लेकिन एक बहुत अच्छे स्थान पर आपको स्थापित कर देती है शिक्षा। एक वो माध्यम है जीवन का, एक अच्छे तरीके से आप इसे ग्रहण कीजिए तो आप पहुंचेंगे अवश्य। आपका लक्ष्य वही नहीं होना चाहिए कि वही चीज मिल जाए, लेकिन आप शिक्षा उस तरीके से लीजिए, एजुकेशन को उस तरीके से अपने जीवन में स्थापित कीजिए और मेहनत करिए कड़ी से कड़ी कि आप वहां तक पहुंच जाए। यहाँ पर आप अपना एक सपना देखते हैं, अपने ही सपनों का एक भारत देखते हैं, अपने सपनों का एक फ्यूचर देखते हैं आप, ठीक है। तो इसी तरीके से इन्होंने संघर्ष किया पूरी ताकत से, तो आपको हमें सीख मिलनी चाहिए हमारे इन पूर्वजों से, मराठों से। मराठों की हम बात कर रहे हैं, शिवाजी की हम बात कर रहे हैं, संभाजी की हम बात कर रहे हैं, राजा राम की हम बात कर रहे हैं। किसी ने हिम्मत नहीं हारी, चाहे कम सेना हो, चाहे थोड़ी ज्यादा हो, चाहे बिल्कुल कम हो, पूरी ताकत से संघर्ष करते रहे अपनी मातृभूमि के लिए। आपको संघर्ष नहीं करना, आपको एक अच्छे तरीके से शिक्षित होना है, वो स्किल आपको पैदा करनी है अपने अंदर, जिससे आप सफलतापूर्वक अपनी लाइफ में एक सफलतापूर्वक स्थान बना पाए, जो कि आप कर लेंगे, उम्मीद है बिल्कुल 100%, कोई दिक्कत की बात है नहीं इस बात में बिल्कुल भी, ठीक है। अब आगे, शिवाजी की दूसरी पत्नी से एक पुत्र थे जिनका नाम था राजा राम, लिख लेना। दूसरी पत्नी से पुत्र थे राजा राम, उन्होंने भी लगातार मुगलों से संघर्ष जारी रखा, लेकिन कभी हार नहीं मानी उन्होंने, लगातार संघर्ष जारी रखा, लड़ते लड़ते मर गए अपनी जमीन को बचाने के लिए, अपनी मिट्टी को बचाने के लिए, महाराष्ट्र को बचाने के लिए, मराठा साम्राज्य को बचाने के लिए। दूसरी पत्नी के पुत्र थे जिनका नाम था राजा राम। पूछा जाता है आपसे एग्जाम में, शिवाजी की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी कौन बना, संभाजी, प्रश्न आएगा। शिवाजी की मृत्यु के बाद औरंगजेब से कौन लड़ता रहा, संभाजी, आंसर आएगा। संभाजी के बाद औरंगजेब से कौन लगातार संघर्ष करता रहा अपने मराठा साम्राज्य को बचाने को लेकर के, दक्षिण भारत को बचाने को लेकर के, राजा राम आएगा। राजा राम दूसरी पत्नी के पुत्र थे। जब मराठा साम्राज्य की कुछ क्लास लाऊंगा इंपोर्टेंट, वहां मैं आपको और चर्चा विस्तार पूर्वक करूंगा आपके लिए, लेकिन यहां से आप मुगलों में और मराठों में उन बेसिक पॉइंटों को समझिए जो परीक्षाओं में पूछे गए, उन्हीं की मैं चर्चा कर रहा हूं, ठीक है जी। तो राजा राम भी लगातार यहां लड़ते रहे, उन्होंने हार नहीं मानी, तो अंततः 1700 में राजा राम की मृत्यु हो गई, और उसके बाद उनकी अल्पायु के पुत्र, राजा राम के पुत्र थे शिवाजी सेकेंड, वो राजगद्दी पर बैठते हैं, गद्दी पर बैठते हैं मराठा साम्राज्य में, और उन्हें 4 साल के बच्चे को गद्दी पर बैठा के, चूंकि एक परंपरा रहती है और परंपरा चली आई है, जैसे पुरुष को ही बैठाया जाएगा गद्दी पर, राजगद्दी पर, तो 4 वर्ष के बच्चा जो था किनका था, राजा राम का, क्या नाम था, शिवाजी द्वितीय, उनको गद्दी पर बैठाया, और कमान किसने ली, हाथ में ताराबाई ने, जो राजा राम की पत्नी थी, ठीक है। तो ये पॉइंट नोट करना, 1700 में किसकी मृत्यु हो गई, राजा राम की मृत्यु हो गई, मुगलों से लड़ते हुए, औरंगजेब से लड़ते हुए, लेकिन हार नहीं मानी। अब राजा राम की विधवा पत्नी, ऐसे लिख लीजिए समझ में आएगा, राजा राम की विधवा पत्नी क्या नाम है, ताराबाई, लिख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार पूछा पेपरों में, ताराबाई ने लगातार संघर्ष किया अपने पुत्र को गद्दी पर बैठा करके। तो राजा राम और ताराबाई पति पत्नी थे, कौन थे, पति पत्नी, जैसा पत्नी और जे पति, जब जब पति मर गए, इनको निधन है वो 1700 में, तो इनके बाद कमान किसके हाथों में आई, पत्नी के हाथों में। तो पत्नी ने लगातार संघर्ष किया मुगलों से अपने पुत्र को, अल्पायु के पुत्र को गद्दी पर बिठाकर, और पुत्र का नाम था शिवाजी द्वितीय, शिवाजी सेकंड, ठीक है। तो जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए हमें, तो सीखने को, आपको भी सीखने को, आप जो भी पढ़ रहे हैं, यही इतिहास से हमें अपने पूर्वजों से, अपने मातृभूमि के नायकों से यही मिलता है, ठीक है जी। तो लगातार संघर्ष करते रहिए अपना, जो भी जिस भी फील्ड में आपको संघर्ष करना है। तो अंततः औरंगजेब यहां से वापस लौट गया, और वापस लौटते हुए 1707 में अहमदनगर में उसकी मृत्यु हो गई, ये लिख लेना, अहमदनगर में मृत्यु हो गई। पूरी ताकत औरंगजेब ने लगा ली, लेकिन मराठों को झुका नहीं पाया, अंततः मराठे उनसे लड़ते रहे, संधि की भी कोशिश करी, लेकिन फिर भी संधि शिवाजी के समय एक हो गई थी, लेकिन उसके बाद कोई इस तरीके की घटना का उल्लेख
नहीं है, लगातार संघर्ष करते रहे अपने राज्य को बचाने को लेकर के और बचा पाए वो। अंततः औरंगजेब निराश होकर के लौट गया और लौटते समय अहमदनगर जो कि महाराष्ट्र का एक हिस्सा है, एक जिला है, अहमदनगर में 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। पॉइंट भी नोटेड, ठीक है, पॉइंट नोट कीजिएगा यहाँ से 1707 में। अब कुछ पॉइंट औरंगजेब के विषय में पढ़ लेते हैं हम यहाँ से, ये पूरा टॉपिक अच्छे से छाप लेना, पढ़ लेना, कोई शक समस्या हो तो कमेंट के माध्यम से पूछिएगा, उसका उत्तर भाई साहब बिल्कुल आपको दिया जाएगा, उस जितना भी अच्छा और जितना भी बेहतर से बेहतर होगा उसका उत्तर आपको दिया जाएगा, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें आप, ठीक है। अब कुछ प्रश्न हैं जो पेपरों में पूछे गए डायरेक्ट। जैसे औरंगजेब को शाही दरवेश के नाम से जाना जाता था, किस नाम से? शाही दरवेश। क्यों कहा जाता था? क्योंकि शराब नहीं पीता था वो, शराब ना पीने की वजह से शाही दरवेश कहते थे, पॉइंट नोट कर लेना। पारसी नववर्ष एक मनाई जाती थी, पारसी नववर्ष जिसका नाम था नौरोज, तो नौरोज के त्योहार पर प्रतिबंध लगा दिया था औरंगजेब ने। पारसी नववर्ष था जो कि पहले से मनाया चला आता रहा था औरंगजेब, सॉरी माफ कीजिए, मुगलों के अलग अलग शासकों के समय में इस त्योहार को मनाया गया, लेकिन औरंगजेब ने रोक लगा दी। कौन से त्योहार पर? नौरोज त्योहार पर, नोट कर लेना। 1663 में सती प्रथा पर पूर्णतः रोक लगा दी औरंगजेब ने, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लेना। 1663 में किस पर रोक लगा दी? सती प्रथा पर पूर्णतः रोक लगा दी औरंगजेब ने, ठीक है जी, नोट कर लीजिएगा। अकबर ने भी कोशिश करी सती प्रथा पर रोक लगाने की। देखो प्रश्न दो तरीके से आता है मुगलों में, अगर आ जाए चार ऑप्शन और उसमें औरंगजेब ना हो, अकबर हो, तो अकबर सही जवाब होगा। इनमें से सती प्रथा पर किसने प्रयास किया रोकने का, तो अकबर भी सही उत्तर आएगा। अकबर यदि नहीं है तो औरंगजेब आएगा फाइनली उत्तर। औरंगजेब ने फाइनली सती प्रथा को रोक दिया था। सती प्रथा आप जानते ही हैं, 1679 में पुनः जजिया कर लागू कर दिया था। ये काम बड़ा गलत किया, दोबारा से जजिया कर लगा दिया जो कि अकबर ने खत्म कर दिया था 1564 में। जजिया कर को किसने खत्म किया मुगलों में? अकबर ने 1564 में। दोबारा से पुनः किसने लगा दिया? औरंगजेब ने 1679 में पुनः जजिया कर को लागू कर दिया था जो कि हिंदुओं से लिया जाता था। सती का मतलब है सती प्रथा का, यदि व्यक्ति का निधन होता था, पति का निधन होता था, तो पत्नी को जबरदस्ती, ऐसा लिखा है अलग अलग किताबों में, जबरदस्ती भी जला दिया जाता था, स्वेच्छा से भी जल जाती है, जबरदस्ती भी जला दिया जाता था एक चिता के साथ, ऐसा सती प्रथा के बारे में लिखा है। इसे फाइनली 1663 में औरंगजेब ने रोका, लेकिन अंग्रेजी शासनकाल में जब ब्रिटिश सरकार में हम पढ़ते हैं तो ब्रिटिश सरकार में भी इसे पढ़ा जाता है। 1829 में राजा राममोहन राय ने इसे रोकने के लिए प्रयास किया, आंदोलन चलाया, ठीक है, कैसे रोकने के लिए? सती प्रथा को, जो कि सामाजिक बुराई थी और सभ्य समाज में सती प्रथा का, सती प्रथा जैसी सामाजिक बुराइयों का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। भारत जैसे देश में, एक सभ्य समाज में जिसकी संस्कृति शास्त्रों के आधार पर, ग्रंथों के आधार पर, वेदों के आधार पर सभ्यता हमारी चली आ रही है, तो उसमें इस तरीके की सामाजिक बुराइयां नहीं होनी चाहिए। तो 1829 में राजा राममोहन राय ने पहले ब्रह्मा समाज की स्थापना करी। 1828 में राजा राममोहन राय ने, 1828 के बाद 1829, 28 से 29 तक एक लंबा प्रयास किया, बंगाल के लोगों को इकट्ठा करके, कलकत्ता के लोगों को इकट्ठा करके, आसपास के लोगों को इकट्ठा करके सती प्रथा का विरोध किया और इसे खत्म करने का प्रयास किया। तो इसी दबाव के कारण उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने एक कानून बनाया और सती प्रथा को समाप्त कर दिया। 1829 में फाइनली अंग्रेजों के शासनकाल में सती प्रथा भारत से समाप्त कर दी गई थी, ठीक है। भारत में प्रश्न आ जाए कि सती प्रथा को किसने खत्म कराया, तो राजा राममोहन राय ने प्रयास किया। ब्रिटिश सरकार की तरफ से किसने कानून बनाया, अंग्रेजों की तरफ से किसने कानून बनाया सती प्रथा को समाप्त करने के लिए, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक का नाम आएगा, वर्ष 1829 आएगी। लेकिन ये इतर थोड़ा सा हम मुगल पढ़ रहे हैं और मुगलों में पढ़ रहे हैं औरंगजेब को, तो औरंगजेब के हिसाब से औरंगजेब में पढ़ रहे हैं इस पॉइंट को हम, तो औरंगजेब ने सती प्रथा को 1663 में। इसके अलावा बहुत सारे हमारे भव्य हिंदू मंदिरों को, सनातन के मंदिरों को नुकसान पहुंचाया और नष्ट किया औरंगजेब ने, ठीक है, नष्ट किया उन मंदिरों को, मस्जिदों को लेकर के आज भी न्यायालय में चर्चाएं चल रही हैं, न्यायालय में सुनवाई लगातार हो रही है। तो उसमें कुछ प्रसिद्ध मंदिर नष्ट किया औरंगजेब ने, मथुरा में केशव राय मंदिर को नष्ट कराया अपने शासनकाल में, काशी में विश्वनाथ मंदिर को नष्ट कराया और गुजरात के सोमनाथ मंदिर को नष्ट कराया था। ये चाहो तो तीन मंदिरों के नाम लिख लेना, प्रसिद्ध मंदिरों के नाम, इन प्रसिद्ध मंदिरों को नष्ट कराया औरंगजेब ने अपने शासनकाल में। इनके अलावा बहुत सारे मंदिरों को तोड़वाया, ठीक है। इसके अलावा ये पॉइंट नोट कर लेना, ये पूछा गया एग्जाम में, महोत्सव एक शब्द लिखा है मैंने, महोत्सव, महोत्सव नामक सार्वजनिक अधिकारी,
जनता की देखभाल के लिए नियुक्त किया था, जनता की देखभाल के लिए ये कौन होता था, सार्वजनिक अधिकारी था, जिसका क्या नाम दिया, महोत्सव, जनता की देखभाल के लिए होता था, जो कि एग्जाम्स में पूछा गया है, ठीक है। और पुरानी क्लास उठा के देख लीजिएगा, हमारी पैट का पेपर आ रहा है जैसे अक्टूबर में, तो पुरानी क्लासेस देख लेना, यूपी पैट की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, वहां से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, पुरानी क्लासों को उठा लेना। बाकी करंट अफेयर्स के लिए आपको क्लासेस लगातार मिल रही है, उनको देखते रहिएगा, वहीं से बाहर नहीं जाएगा, ये गारंटी है। जितना हम पढ़ा रहे हैं क्वेश्चन, एक एक डिक्टो क्वेश्चन वहां से फंसाया है हमने, और आप देख लीजिएगा, ठीक है। जीएस की क्लासेस को उठा करके आप प्ले लिस्ट में जा करके आगे बात करते हैं। जरोखा दर्शन और तुलादान प्रथा को समाप्त कर दिया औरंगजेब ने अपने शासनकाल में। कौन से दर्शन को? जरोखा दर्शन और तुलादान प्रथा। जरोखा दर्शन और तुलादान प्रथा की एक परंपरा मुगलों में चलती आई। सोने और चांदी से तौला जाता था इनको, एक भव्य प्रोग्राम का आयोजन होता था, सोने से चांदी से, जैसे एक पला में सोने चांदी को भर दिए भैया और एक में शासक बैठे हैं, तो ऐसे तोला जाता था, ये एक भव्य प्रोग्राम होता था। तो इस प्रोग्राम को औरंगजेब ने समाप्त कर दिया, रोक दिया अपने शासनकाल में, कोई इस तरीके का प्रोग्राम नहीं होगा। कौन सा नहीं होगा? जरोखा दर्शन नहीं होगा, तुलादान प्रथा नहीं होगी, जो कि सोने चांदी से इस तरीके की तौलने की प्रथा चली आ रही थी। आगे बात करते हैं, एक प्रश्न बहुत बार और कई बार और बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा है, कई गलत नहीं करना है आपको। वैसे मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, मुगल साम्राज्य को समाप्त करने के बाद जो क्लासेस आएंगी वो मुगलों की आएंगी, लेकिन मुगलों में पढ़ेंगे उनके चित्रकारों के बारे में, उनकी चित्रकारी के बारे में, उनकी इमारतों के बारे में पढ़ेंगे। स्पेशल अलग से आपको वही क्लास मिलेंगी और उनके नोट्स अलग से बना लीजिएगा आप, ठीक है। ताजमहल के बारे में बात करें, या बीबी के मकबरा में, या मोती मस्जिद के बारे में, या जामा मस्जिद के बारे में, जामा मस्जिद दिल्ली में हो, चाहे आगरा में हो, चाहे किसी भी शहर में हो, चाहे संभल में हो, चाहे बाबरी मस्जिद हो, जो मुगलों ने हमारे देश में स्थापित कराई, उनके क्लास अलग से आएंगी बहुत शानदार तरीके से, उन्हें अच्छे से देख लीजिएगा, देख लीजिएगा। तो दिल्ली में क्या है? लाल किला, जो कि किसने बनवाया? औरंगजेब के पिताजी ने। औरंगजेब के पिताजी कौन थे? शाहजहां। लाल किला कब बनवाया? 1648 में बन के तैयार हुआ, उससे पहले 5-10 साल पहले से बनना था वो, तो इतना समय उसे बनाने में लग गया था, ठीक है। तो 1648 में दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? शाहजहां ने, नोट कर लेना। तो दिल्ली के लाल किले में एक मस्जिद है अंदर, जिसका नाम है मोती मस्जिद। तो मोती मस्जिद 1674 में, वर्ष 1674 में मोती मस्जिद का निर्माण, ध्यान देना बात पे भाई साहब, पॉइंट भी नोटेड यहां से। मोती मस्जिद लाल किले के भीतर है दिल्ली में, और पूर्णतः संगमरमर से बनी हुई इमारत है, टोटल संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है इसके अंदर, जबकि लाल किला लाल बलुआ पत्थर से बना है, जो कि लाल बलुआ पत्थर साया के द्वारा कहाँ से मंगाया होगा ये आपको पता है, या कमेंट बॉक्स में बताइए। ज्योग्राफी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, कौन सी चट्टानों से? विंध्याचल की चट्टानों से, या कड़प्पा की चट्टानों से, है ना, या सतपुड़ा जो पर्वत श्रृंखला पड़ती है मध्य प्रदेश में, वहाँ की चट्टानों से, तो ये पत्थर कहाँ से मंगाया होगा? उन्हीं चट्टानों के आसपास बलुआ पत्थर सबसे ज़्यादा निकाला जाता है, ठीक है, और वहाँ से ये पत्थर मंगाया और पत्थर से लाल किला बनवाया। किसने बनवाया लाल किला? शाहजहां ने 1648 में। उस समय के हिसाब से 1 करोड़ रुपए का खर्चा आया था लाल किले को बनवाने में, और ताजमहल को बनाने में लगभग 9 करोड़ या 10 करोड़ लिखा हुआ है उस समय के जमाने में भाई साहब, आज तो अरबों खरबों की रकम हो सकती है अगर देखें तो। तो दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने कराया था, ये प्रश्न याद रखना है। 1674 में, वर्ष लिख लीजिए 1674 में, पूर्णतः संगमरमर से बनी हुई। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया, चूंकि लाल किला शाहजहां ने बनवाया, तो बच्चे कई बार शाहजहां आंसर लगा देते हैं कि भाई लाल किला बनाया होगा तो लाल किले के अंदर सब चीज वही ने बनाई होगी, ऐसा नहीं है, उसके पुत्र ने बनवाई, उसके अंदर जो मस्जिद है वो संगमरमर से, ठीक है, ये याद रखना है आपको। इसके अलावा 1678 में, मैं आपको पॉइंट बोल रहा हूँ, नहीं दिख रहा होगा क्लास उसमें वीडियो में आपको, तो 1678 में बीबी का मकबरा, वर्ष लिखना 1678 में बीबी का मकबरा, ठीक है, जिसे दक्षिण भारत का ताजमहल भी कहते हैं, दक्षिण भारत का ताजमहल भी कहते हैं, बीबी का मकबरा भी कहते हैं, भारत का दूसरा ताजमहल भी इसे कहते हैं। इसकी कॉपी करी शाहजहां के पुत्र औरंगजेब ने आगरा में स्थित ताजमहल की डिजाइन जो थी, वास्तुकला जो थी, स्थापत्य कला जो थी, स्ट्रक्चर जो था, उसका कॉपी किया गया बनाने के लिए, इस वजह से दूसरा ताजमहल कहते हैं बीबी के मकबरे को। कायदा से पेपरों में बीबी के मकबरे के नाम से क्वेश्चन पूछा गया है कि बीबी का मकबरा कहाँ पे स्थित है, तो उत्तर औरंगाबाद में स्थित है। किसने बनवाया? औरंगजेब ने बनवाया। कौन सी वर्ष में बनवाया? 1678 में बनवाया। किसकी याद में बनवाया? अपनी पत्नी की याद में बनवाया। पत्नी का नाम क्या था? राबिया उद दौरानी था,
और वैसे दिलरास वानो बेगम के नाम से भी जानी जाती थी या उनका नाम था, ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। औरंगाबाद में स्थित है, 1678 में बीबी का मकबरा औरंगजेब ने बनवाया, जो कि हूबहू ताजमहल जैसा दिखता है, इस वजह से इसे दक्षिण भारत का ताजमहल भी बोलते हैं। औरंगाबाद का महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र कहाँ, दक्षिण भारत के हिसाब से पढ़ते हैं, तो दक्षिण भारत का इसे ताजमहल भी कहते हैं। तो ये थी हमारी क्लास, आपको कैसी लगी आप बताइएगा जरूर, और लगातार पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, बहुत जल्द आपके लिए, कभी भी जैसे सरकारें होती हैं तो सरकारों का एक काम रहता है, मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा इलेक्शन का वो वेट करती हैं और पेशेंस का पूरी परीक्षा ले लेती हैं, बच्चों के पेशेंस की, धैर्य की, ठीक है। तो अपना धैर्य मत खोइए, सबसे बड़ी बात गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करने में मैं आपको बता दूं, जो पहली चीज़ होनी चाहिए हमारे और आपके अंदर वो है धैर्य, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स बहुत लिमिटेड हैं और लिमिटेड होने के साथ साथ एक समय लग जाता है उन्हें निकलने में और आने में। यदि आपके पास पेशेंस है, पर्याप्त पेशेंस है, तो आप लगातार लगे रहिए, बिल्कुल शांति से और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहिए, वैकेंसी आनी है कभी ना कभी, और आप अगर मेहनत अच्छी कर रहे होंगे, ज़बरदस्त आपकी मेहनत होगी, तो अवश्य आप सफलता प्राप्त करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है, बिल्कुल इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। तो पेशेंस बहुत ज़रूरी है गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए आपके अंदर, है ना। कई बार बच्चे निराश हो जाते हैं कि 2 साल 3 साल हो गई, ऐसे ही बच्चे 2 साल 3 साल 4 साल वाले आज जॉब कर रहे हैं हमसे पढ़े हुए ऑफलाइन में, और ऑनलाइन से बहुत सारे बच्चे पढ़ भी रहे हैं, अलग अलग हमारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स जिन्होंने चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं और लगातार हमारे साथ मेहनत कर रहे हैं, कॉपरेट कर रहे हैं, उन सभी का बहुत अनेक धन्यवाद भी है। लगातार शेयर भी करते रहिए और चैनल को आगे भी बढ़ाते रहिए, बिल्कुल निःशुल्क और फ्री ऑफ कॉस्ट GS का कोर्स आपको इसी तरीके से मिलता रहेगा। आप कोई भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, किसी भी तरीके का एग्ज़ाम दे सकते हैं, वहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो ये औरंगजेब का सेकंड पार्ट था, औरंगजेब यहाँ पे समाप्त होता है। इसके अलावा जो और मुगल शासक हैं उनके विषय में मैं बात करूँगा, जो जो महत्वपूर्ण हैं, अंतिम तक तो हम आपको बताएंगे बताएंगे, लेकिन जो और ज़्यादा महत्वपूर्ण है या उनके प्रश्न पूछे गए हैं अलग अलग एग्जाम्स में, उस आधार पर यहाँ से आगे आपको क्लास मिलेंगी। बाबर से औरंगजेब तक आपको पता है सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और औरंगजेब तक ही लोग याद रखते हैं। औरंगजेब का पुत्र अगला उत्तराधिकारी बनता है, कुछ समय तक रहता है, जिसका नाम था मुअज्जम, बहादुर शाह जफर के नाम से वो गद्दी पर बैठा था, ठीक है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी ये कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों मित्रों के साथ सोशल मीडिया पर क्लास को। अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात करते हैं, संवैधानिक क्लासेस बहुत जल्दी शुरू करेंगे। नमस्कार।